जी क्लास, अब हमने ना आज जो अपने टॉपिक में पढ़ना है 1.8 टॉपिक, जिसको स्लाइड्स में यहाँ पे शो किया गया आपको, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन दी गई है, ये लिक्विड्स में कैसी होती है, गैसेस में कैसी होती है, इनका आपस में डिफरेंस क्या है, और टेम्परेचर के चेंज करने से इस पर क्या इफेक्ट होता है, कुलयन से इस पर क्या इफेक्ट होता है, ज़्यादा अगर इसके ऊपर हम लोग बढ़ा दें, इसको फुल प्रेशर इंक्रीज कर दें तो इसका क्या रिजल्ट होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक 1.8 के बाद जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास होगा विस्कोसिटी 1.9, और इसके अंदर हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे कि होती क्या है, और इसको विजुलाइज भी करेंगे, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसके फार्मूलाज, और फिर विस्कोसिटी के ऊपर जो न्यूटन का लॉ है, न्यूटेनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम प्रूफ करेंगे, और फिर इन द एंड हम डिफरेंट लिक्विड्स की विस्कोसिटी को भी देखेंगे, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, और ये क्यों कम और ज़्यादा होती है। फिर हम इसको मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे और इसको न्यूमेरिकली कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ये है हमारी आउटलाइन कंप्लीट लेक्चर की। ठीक है, ये उसकी सारी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, और बुक के ऊपर ये जो दो टॉपिक हैं वो हमारे पास है, फर्स्ट टॉपिक ये कंप्रेसिबिलिटी और सेकेंड है ये विस्कोसिटी, और ये हमारे पास यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है व्हाइट बोर्ड ओपन करके ये पूरा आर्टिकल जो है उस पर कवर करवाऊंगी, अगर आप लोग चाहें तो उसके साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, वैसे ये लेक्चर जो है मैं अपलोड भी कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम अपनी कंप्रेसिबिलिटी को जो है स्टार्ट करते हैं कि ये होती क्या है। कंप्रेसिबिलिटी जो है इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ मैटर डिक्रीजेस अंडर द प्रेशर। इसकी डेफिनेशन को डिफरेंट तरीकों से लोग लिखते हैं, जो आप लोगों को फुल डिटेल में मिलेगी, उसमें टेम्परेचर भी साथ में इन्वॉल्व होगा। अदर देन ये भी इनफ है कि ऐसी ये मेजर है किसी भी बॉडी की, किसी मैटर की, जितना उसके अंदर उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कब, जब हम उसके ऊपर प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है उसको डिटेल में जब करते हैं तो ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से ये देखें, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड दस द डेंसिटी अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। कि किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम को एंड डेंसिटी से रिलेट किया हुआ, ये सब हम मैथमेटिकली करेंगे। अभी सिर्फ क्या है, किसी भी मैटर के अंदर अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो कंप्रेसिबल है, अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो हम बोलेंगे वो कंप्रेसिबल नहीं है। और ये जो वॉल्यूम चेंज और नहीं चेंज हो रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको हमने देखना है। हम लोगों ने बताना है कि जब हमारे पास एक मैटर है, कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग इसके ऊपर प्रेशर डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने से जो इसकी बॉडी का वॉल्यूम था वो हमारे पास कम हो गया, डिक्रीज हो गया, पहले ये ज्यादा था, ठीक है, तो अब ये कंप्रेस हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये जो प्रेशर के लगने से हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, हम इसको बोलते हैं कि इसके वॉल्यूम में चेंज आया, इसके वॉल्यूम में चेंज आया, उसे बोलते हैं इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है इस फ्लूड के अंदर, जो भी हमने कंटेनर के अंदर फ्लूड लिया होगा। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी कंप्रेसिबिलिटी को शो करती हूं कि ये मेरे पास बीटा है, कंप्रेसिबिलिटी को मैथमेटिकली बीटा से शो करती हूं, तो मैं कहती हूं ये मेरे पास है इज इक्वल टू किस चीज के, इसकी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम चेंज होना है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कि जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया है पर यूनिट की जगह पर कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि जो उसके हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आया है किस तरह, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस लगाने से, उसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास है डीपी। ये मैंने स्ट्रेस को डीपी क्यों लिखा है, बेसिकली जब मैं इस पे स्ट्रेस लगा रही हूँ इसके बॉडी के ऊपर, तो ये देखिए एज अ प्रेशर इसके ऊपर वर्क कर रही है ना ये स्ट्रेस,
तो इसको मैंने लिख लिया कि ये मेरे पास जितना चेंज आया उसके प्रेशर में, वो प्रेशर में इसके ऊपर लगने से जितना उसके वॉल्यूम में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड ओवर कंप्रेसिबिलिटी। ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी का हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी में हमारे पास यहाँ पे जो है ना साथ में माइनस साइन भी आएगा। ये माइनस साइन क्या शो करेगा कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है। इसको डिटेल में देखने के लिए कि माइनस साइन कैसे आता है, वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम लोग स्टार्ट में वॉल्यूम लिया था हम लोगों ने अपनी बॉडी का, उसे कह देते हैं वो इनिशियल वॉल्यूम था वी आई, वो ज्यादा था। जब इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हुई तो जो इसका फाइनल वॉल्यूम आया वो कम हो गया, उसे हम कह लेते हैं ये वी एफ है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दें तो ही हमारे पास क्या आता है, रेट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जो उसमें चेंज आता है वो आता है। तो फाइनल जो है वो कम है, इनिशियल जो है वो ज्यादा है, तो जाहिर बात है ये क्वांटिटी बड़ी होगी तो माइनस का साइन आएगा। तो इसलिए हमारे पास इस वाले फॉर्मूला में माइनस का साइन है, क्योंकि वॉल्यूम पहले ज्यादा था और बाद में कम हो गया। एक ये चीज क्लियर होगी इसके फॉर्मूला में। अब ये हमने जो इसका फॉर्मूला रिलेट किया है, ये हमने किया है कंप्रेसिबिलिटी को वॉल्यूम के साथ रिलेट, लेकिन हम लोग इसकी कंप्रेसिबिलिटी को कहते हैं ये डेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो हमें वॉल्यूम का कोई रिलेशन निकालना होगा डेंसिटी के साथ। और ये बहुत वेल नोन, आप पहले भी बहुत दफा इस चीज को पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि ये फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू रो वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम इसमें अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके डी वी ओवर वी की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे, हमें पता है हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर आप लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी किया हुआ पहले। लॉ, मैं रिपीट फिर भी कर रही हूँ हर स्टेप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या लॉ था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस लगा लें, प्रेशर लगा लें, टेम्परेचर बढ़ा लें, तो जो हमारा मास है वो नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स मे बी चेंज फ्रॉम वन टर्म टू एन अदर टर्म। ठीक है, एक टर्म से दूसरे टर्म में चेंज हो सकता है, बट ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसको आप कैसे देख सकते हैं कि ये एक टर्म से दूसरे टर्म में जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं, तो वाटर के अंदर हम कहते हैं कि ये वाटर है हमारे पास, इतनी इसकी क्वांटिटी है, हम कहते हैं ये 1 केजी क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको बर्न करूं, फायर चला दूं, तो उसके कुछ देर के बाद ये पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके अंदर कुछ ना बचे, कंटेनर खाली हो जाए, तो क्या मतलब मास डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, वो जो मास है वो पहले लिक्विड की फॉर्म में था, देन हमारे पास 1 केजी स्टीम आ गई। तो मास जो है वो वाटर से गैस में कन्वर्ट हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास कोई फोर्स या कोई चीज अप्लाई होती है, तो जो हमारा मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोगों ने इसको ये देखने के लिए कि हमारे पास कांस्टेंट है, एक एग्जांपल भी देखी ये वाटर वाली, इसको हमने लिख दिया ये कांस्टेंट हमारे पास आ गया रो वी। अब हमारे पास कांस्टेंट है, तो जारी पास जब इसको डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास जीरो हो जाएगा, और जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रो डीवी प्लस, नेक्स्ट टाइम में वी वैसे ही जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या आ गया, जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जो अपना रिलेशन बनाना है वो ये बनाना है डीवी ओवर वी। तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन यहां लाना होगा, हमें क्या बनाना, हमें बनाना है डीवी ओवर वी। हमें ये एक्सप्रेशन यहां लाने के लिए अब क्या करते हैं, हम लोग डीवी को यहीं रहने देते हैं, रो को भी यहीं, तो ये दूसरा वहां जाके माइनस वी जीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे क्या कर सकते हैं, डीवी यहीं पर, वी और माइनस वी इस तरफ ले आए, इसी तरह डी रो जो है वो रोज के पास ले जाए। तो हमने देखा माइनस डीवी ओवर वी हमारे पास आ गया डी रो ओवर रो के इक्वल। तो मैं ऊपर वाले फार्मूला के अंदर ये पुट कर सकती हूं, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी का जो फार्मूला अब मेरे पास आ जाएगा वो आएगा B इज इक्वल टू D रो ओवर रो डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने सेम ही चीज रखी है इसको, तो DP, ठीक है, इसको हमने DP से शो किया था स्ट्रेस को। तो ये हमारे पास माइनस साइन भी अब नहीं आया, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास इस फार्मूला का माइनस साइन था, यहां पर हमारे पास ये वाला माइनस साइन जो फार्मूले का था वो भी हमारे पास नीचे कवर हो गया, जो हमने अब ये सारा निकाला यहां से, तो ये डी रो ओवर रो। अगर हम इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि बी हमारे पास आ गया है 1 ओवर रो
dRho over dP। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। हमारी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे। ये जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब होता है जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है फंक्शन है डेंसिटी का। और हम ये भी कह सकते हैं जो डेंसिटी है आगे मजीद जो रो है वो फंक्शन है प्रेशर का। प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होगी तो कंप्रेसिबिलिटी चेंज होगी। तो हमने इनका रिलेशन जो है वो बिल्ड कर दिया, इनका रिलेशन हमारे सामने क्लियर हो गया। ये तो ये हमने मैथमेटिकल भी कंप्रेसिबिलिटी पढ़ ली और डेफिनेशन में भी पढ़ ली। तो आप डेफिनेशन के अंदर ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं और ये वाली भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कंप्लीट है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड चेंजेस व्हेन द प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस इट इज सेड टू बी कंप्रेसिबल अदरवाइज इनकम्प्रेसिबल। इसमें दोनों डेफिनेशन कवर हो जाती हैं, कंप्रेसिबल भी और इनकम्प्रेसिबल भी, कि अगर वॉल्यूम चेंज होता है प्रेशर के चेंज होने से टेम्परेचर के चेंज होने से तो फिर हमारे पास वो कंप्रेसिबल है, अगर नहीं चेंज होता तो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है। और मैथमेटिकल मैंने आपको इसका सारा प्रूव कर दिया। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि जो हम लोग ये थ्रेटिकल पढ़ रहे हैं क्या हम लोग ये थ्रेटिकल ही करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ये जो हम लोग यहाँ फार्मूलाज पढ़ रहे हैं ना, ये सारे ये फार्मूला जो हम स्टडी कर रहे हैं यही फार्मूलाज आगे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। इसकी आगे एक्सरसाइज है, सॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं, तो ये थ्रेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों के साथ चलेगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, सिंपल लाइंस में आप लोग इसे कहते हैं थिकनेस, कि इसकी इतनी थिकनेस है, इसकी इतनी थिकनेस है। लेकिन जब हम इसको अपने फ्लूड में स्टडी करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ गाढ़ापन तक हम बता दें कि जो ज़्यादा गाढ़ा है वो इतना विस्कस है, जो कम जो हल्का गाढ़ा है वो इतना विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी कम है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। बल्कि इससे हट के हम विस्कोसिटी को डीप स्टडी में लेके जाते हैं। हम बताते हैं कि जो विस्कोसिटी है ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है जी, दो लेयर्स के दरमियान फ्लूड की। यानी विस्कोसिटी हमारे पास रुकावट है कोई से दो लेयर्स के दरमियान। अब ये लेयर्स क्या हैं? मैंने आपको बताया हम जब भी फ्लूड को स्टडी करते हैं तो हम उसको ऐसे स्टडी करते हैं कि हम कहते हैं ये अगर हमारा फ्लूड है किसी एक कंटेनर के अंदर, तो इसके अंदर ऐसे लेयर्स बनी होती हैं फ्लूड्स की, नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, इस तरह। इन लेयर्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि हर एक लेयर दूसरे लेयर को आगे जाने से रोकती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। जितनी कोई फ्लूड जो है ज्यादा थिक होता है उतनी ही वो दूसरी लेयर को ज्यादा रेजिस्ट करता है आगे जाने से। तो इस रेजिस्टेंस का नाम है विस्कोसिटी। तो इसकी हम लोग ये अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक फ्लोर के ऊपर एक बॉल लेते हैं, उसको यहां से हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं, ये मूव करती है इसके ऊपर। जब ये मूव करती है तो अगर हमारी ये फ्लोर जो है वो क्लीन नहीं है, मडी है, तो ये बहुत स्मूथली आय को मूव नहीं करेगी, बॉल रुक रुक के मूव करेगी। लेकिन अगर हम इसको ग्रीस करते हैं और बिल्कुल क्लियर करते हैं तो बहुत बहुत तेजी से आय को मूव करेगी, यानी कि फ्लोर जो है उसको कम रेजिस्ट करेगी और बॉल इजीली आगे मूव कर जाएगी। इसी तरह ये तो सिर्फ है फ्लोर और बॉडी के दरमियान जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का। इसी तरह जो हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास फ्लूड है और फ्लूड की डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है, तो ये एक लेयर दूसरी लेयर को भी रेजिस्टेंस लगाती है आगे जाने से, ठीक है, कि एक दूसरे को हिंड्रेंस क्रिएट करती है। तो इस मेयर का नाम जो हम मेयर करते हैं कि उसने कितना इसको आगे जाने से रोका या कितना इसको रेजिस्ट किया, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी। अच्छा, अब इस विस्कोसिटी को हमने समझ तो लिया ये क्या है, लेकिन हमें देखना है कि ये किन चीजों की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। ये टू रीजंस हैं जिसकी वजह से विस्कोसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। नंबर वन हमारे पास है कोहेसिव फोर्सेस, और नंबर टू हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर ट्रांसफर फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं लेक्चर के अंदर, कि जो एक फ्लूड के एटम्स जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे को कितना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर ट्रांसफर फोर्सेस। कि जब ये आपस में कोलिजन करते हैं तो एक दूसरे को कितनी फोर्स आगे ट्रांसफर करते हैं,
ठीक है, इन दो के रीजंस की वजह से हमारे पास विस्कोसिटी आती है। और एक और बहुत इसका जो मेजर है पॉइंट वो मैं बता दूं कि आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जो हमारे पास डेप्थ होती है, जैसे हम डेप्थ में जाते हैं फ्लूड के अंदर, तो मैंने कहा प्रेशर जो है वो डेप्थ में सबसे ज्यादा होता है, ऊपर वाली लेयर्स नीचे वाली लेयर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास वेलोसिटी को अगर हम स्टडी करें, हमने विस्कोसिटी के अंदर वेलोसिटी को क्यों स्टडी करना है, मैं वेलोसिटी का क्यों बताने लगी हूँ, बिकॉज विस्कोसिटी क्या है, वो एक लेयर को दूसरी लेयर के से आगे जाने से रोकने की रेजिस्टेंस है, यानी कि वो कितनी हमने वो मेजर करना है, कितनी वो रेजिस्टेंस है जो आगे जाने से रोक दिया जा रही है। तो वो हम उसकी वेलोसिटी से ही चेक करेंगे ना, कि पहले की वेलोसिटी कितनी है और दूसरी लेयर की वेलोसिटी कितनी है और फिर उनके दरमियान में क्या रिलेटिव रिलेशन है। तो इट्स मीन कि हमें फ्लूड की वेलोसिटी को स्टडी करना पड़ेगा। तो जब हमने फ्लूड की लेयर्स देखी तो हमने देखा कि जब हम कभी किसी फ्लूड के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसके अंदर, तो वो जो हलचल उसके अंदर होती है वो सबसे ज्यादा पहली वाली लेयर में होती है, उससे कम उससे अगली लेयर में होती है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं जो हमारी वेलोसिटी है वो बिल्कुल घटती कम होती जाती है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास फोर्स लगी और पानी ने मूव करना शुरू किया, तो जो चिपका हुआ पानी था फ्लोर के साथ, इसके ऊपर कैसे फोर्सेस सबसे ज्यादा थी, इसको फ्लोर ने जोर से पकड़ लिया, तो इस जगह पे वो जो वाटर था वो आगे मूव ही नहीं किया, उससे ऊपर वाली लेयर में थोड़ा सा आगे मूव किया, उससे ऊपर वाली लेयर में थोड़ा और आगे मूव किया, उससे ऊपर वाली लेयर में थोड़ा और आगे मूव किया, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर में हुई। तो इसका हमारे पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल आता है वो इस तरह आता है, यानी कि जैसे जैसे हम डेप्थ से ऊपर की तरफ आते हैं हमारी वेलोसिटी फ्लूड की बढ़ती जाती है, वो उतना ही तेजी से आगे की तरफ मूव करता है एज कंपेयर टू डेप्थ। डेप्थ में वो जीरो वेलोसिटी के साथ बैठा होता है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इसकी एग्जाम्पल के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे एक कंटेनर है और उसके अंदर नीचे यहाँ पे ना फ्लूड मिट्टी के जरे पड़े हुए कितने सारे, और यहाँ पे हमारे पास लेयर्स बनी हुई है फ्लूड की, ये जो आपने मिट्टी है ये ऊपर से आपने डाली है, अब ये मिट्टी जो है वो बीच में भी कई जर्रे हैं इस मड के, वो जाके नीचे बैठ गई। अब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इधर को, थोड़ी सी स्ट्रेस लगाते हैं क्योंकि प्रेशर तो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, वो तो इसके अंदर मोशन लाएगा ही नहीं। हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं इस बात को कि जब इसके अंदर जो है वो शेयर स्ट्रेस होगी तो ही आगे की तरफ मूव करेगा। मैं इसके अंदर बहुत थोड़ी सी शेयर स्ट्रेस अगर अप्लाई करती हूँ, जब मैंने स्ट्रेस अप्लाई की तो क्या हुआ, इसके अंदर मोशन हुई, जब मोशन हुई तो ये जो छोटे छोटे मड के पार्टिकल्स ऊपर वाली लेयर्स में थे वो आगे की तरफ मूव करके, लेकिन जो मड के पार्टिकल्स फ्लोर पे बैठे हैं वो आगे की तरफ मूव नहीं किए, वहीं बैठे रहे, उनमें थोड़ी बहुत हलचल हुई लेकिन जो साथ चिपके हुए थे नीचे अपने टब के बिल्कुल साथ चिपके हुए थे वो आगे की तरफ मूव नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसको इस वॉल ने अपने साथ जोड़े रखा है, चिपकाया हुआ है, पेस्ट कर लिया है। जब तक कि आप फुल स्ट्रेस लगा के उसे हला के हैंड से छेड़ के नहीं आएंगे इन पार्टिकल्स को, तब तक वो मूव नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल जो गर्ल्स घर में कपड़ा लगाती है ना, जिन्होंने कभी घर में काम किया होगा, वो टाकी को धोते हैं तो अगर वो सारे मर्ज नीचे बैठ जाए तो ऊपर वाले पानी में साफ हम लोग धो लेते हैं कपड़े को दोबारा। तो ये वही चीज है कि जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आके तैरते नहीं रहते, वो नीचे जाके टब के साथ चिपक जाते हैं, तो वहां पे इनकी जो मोशन है वो इसलिए कम है कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इस बाउंड्री ने इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई हुई है। तो जैसे जैसे हम ऊपर वाली लेयर्स में आते हैं ये पावर कम होती जाती है, और ये पावर कम होने की वजह से इनकी वेलोसिटी ऊपर ज्यादा होती है और नीचे कम होती है। तो हमने जब भी नेक्स्ट टाइम फ्लूड के अंदर फ्लूड वन पढ़ें, फ्लूड टू पढ़ें, जब भी कभी हम इसके अंदर किसी चीज को स्टडी करें, तो एक बात आप लोगों ने बाय हार्ट लर्न कर लेनी है, वो ये कि इसका वेलोसिटी प्रोफाइल हमेशा ऐसा होता है, यानी कि यहाँ जीरो से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर यहाँ से डिस्टेंस इसका हम देख रहे हैं वाई, तो ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो मैंने आपको अभी फिलहाल सिर्फ क्या समझाया है कि विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है और जो है वेलोसिटी का प्रोफाइल हमारे पास क्या है। अब हमने जब ये प्रोफाइल देखा तो हमें विस्कोसिटी में निकालना क्या है, मैंने आपको बताया हमने विस्कोसिटी में निकालना है कि एक लेयर की दूसरी लेयर को कितनी रेजिस्टेंस है। अगर मैं कहती हूँ मैं इस लेयर का नाम ए रख लेती हूँ और इस लेयर का नाम बी रख लेती हूँ, तो मुझे ये देखना है कि ये वाली एक लेयर को कितना आगे जाने से रोकती है, और ये वाली लेयर इस लेयर को कितना अपने साथ आगे खींचती है।
इन दो लेयर्स के दरमियान में जो वो रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेशन है ना उसको निकालना चाहती हूँ, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए ऐसा करते हैं, इस ए और बी को हम निकाल के थोड़े बड़े लेवल पर ड्रॉ कर लेते हैं।